डी एडिक्शन के ताल्लुक से, ये मिशन के बारे में जानना चाहेंगी, ये मिशन वापसी है क्या? देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ एक काफ़ी बड़ी मुहिम छेड़ी गई है ज़िला श्रीनगर में। इसमें सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जो मिशन वापसी के बारे में पूछा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मिशन वापसी जितने ड्रग अब्यूज़ के विक्टम्स हैं उनको वापस लाने के लिए, उनको वापस ज़िंदगी में लाने के लिए एक बड़ी कोशिश है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, वक्तन फक्तन कुछ कार्रवाई की गई है, लीगल एक्शन भी लिया गया है। हम इस चीज़ पर पूरा यकीन रखते हैं कि हमारा समाज में नौजवान जो हैं उनको जो गलत रास्ते पर अगर हूँ उनको वापस लाना हमारा फर्ज है। मिशन वापसी उन नौजवानों को जो ड्रग अब्यूज़ के विक्टिम बन चुके हैं उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाने का नाम मिशन वापसी है। मिशन वापसी खुद को खुद की तरफ आने, लौट आने की वापसी है। ये मिशन अपने कैरियर में दोबारा से आने की वापसी है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि मिशन वापसी अपने घर और घर वालों की तरफ वापसी है, ताकि हमारा जो अप्रोच है इसमें टू प्रॉन्ग अप्रोच है। नंबर वन, इन्फोर्समेंट लीगल साइड, जिसके बारे में अभी आपको एसएसबी साहब तफसीलन बताएंगे, और दूसरा है रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज। रिहैबिलिटेशन पार्ट के लिए हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसको हम स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ रहे हैं। जो सरकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के साथ जितने भी विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ हैं उनको जोड़ा जाएगा, ताकि वो दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। जहाँ तक इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है, तो कुछ दिन पहले आपने, आप सब मीडिया हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक सोशल काज के लिए काफ़ी मेहनत करके जो कार्रवाई की गई उसको हाईलाइट किया, और समाज के अंदर हमें जो और रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे नौजवान वॉलंटियर कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दूसरे संजीदा लोग हैं, सिविल सोसाइटी वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस तरीके से ये स्टार्ट किया है, एक मुहिम शुरू की है, एक हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिस पर जो वॉलंटियर वॉलंटियर और विक्टम दोनों के लिए, वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस ड्रग अब्यूज की पूरी वबा को खत्म करने के लिए, और विक्टिम को हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, विक्टिम की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसको हम अनकरीब लॉन्च कर लेंगे, और उसमें खुद जो विक्टिम है वो डिस्क्लोज करेगा कि आई एम ए विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज एंड आई वॉन्ट टू रिफॉर्म माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू रिसेटल इन माई लाइफ। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वॉलेंटियर और विक्टम दोनों चीज़ों को हमने इंटीग्रेट किया है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पर स्टार्ट हुई है, मिशन वापसी शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे, और बल्कि इसमें हमें काफ़ी मुसबत नतायज आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी तक सर कितने ये ड्रग पेडलर जो है अभी अरेस्ट किए गए हैं अगले और अगले कितने सवालों किए के लिए गए हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी साहब से, जो आपके सर, सवाल हाउ मेनी ड्रग पेडलर्स यू नो अरेस्टेड आर डिटेन टिल नाउ? 2022 में हमारी अभी तक 41 एफआईआर्स हो चुकी हैं। 41 एफआईआर्स में भी हमारी लगभग 60 एक्यूज इन एफआईआर में भी अरेस्ट है। इन 60 को छोड़ के हमने 41 लोगों पे पीएसए भी लगाया है, ये अभी तक 21 और 22 को मिला के। 22 में आपको याद होगा 28 को हमारा ज़्यादा एक एक्शन हुआ था, उस दिन हमने 21 लोगों पे पीएसए किया था। डीसी सर और मैं एक साथ थे तो हमने काफ़ी जगह पे रेड किया, 12 टीमें थी हमारी, और मौके पे वी कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर इनटू दिस एक्टिविटीज। जब उनको हमने एग्जामिन किया, हमने उनकी इंटरोगेशन की, उसमें आगे हमें नाम मिले तो उन सब लोगों को उठाया, और जो ज़्यादा बड़ी शाख थी जो कि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो वो सब लोगों को वी हैव अप्लाइड पीएसए। बट केस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, पीएसए जस्ट फॉर दैट दैट दे शुड नॉट डू दैट एक्टिविटी।
बट जो रियल डेटरेंस होगा वो हमारा केस की एफआईआर से होगा। केस की एफआईआर पे आते हुए एक बात और आपके सामने वार्डू से कि सेक्शन 68F है हमारी नारकोटिक जो है एक्ट है उसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज फॉर दिस पर्पस या फिर उसके पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, वी आर स्टार्टिंग दैट ऑल्सो कि हम उसके अटैचमेंट का काम भी स्टार्ट हो रहा है। वी आर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉपर्टीज मूवेबल और इमूवेबल विच हैव बीन यूज फॉर दिस पर्पस और जो उस पैसे से भी आई हैं, तो उनके ऊपर भी हम और रेवेन्यू ऑफिशियल्स हमारा एक साथ इसमें काम होगा एंड वी विल इंश्योर कि वो सभी प्रॉपर्टीज एकदम हो जाएं। और उसके अलावा आई वांट टू से दैट कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वी वांट टू वार्न देम दैट दे शुड स्टॉप दिस एक्टिविटी। इफ दे डोंट स्टॉप दिस एक्टिविटी हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। श्रीनगर हिस्ट्री के अंदर नारकोटिक का काम हम नहीं होने देंगे। वी आर आफ्टर देम। दे शुड आइदर लीव द सिटी, इफ नॉट दे हैव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी। सर एक और खास बात की तरफ आपका तवज्जो मरकूज करवाना चाहूँगा, बल्कि आप दोनों का। जिस तरह से हम सब जानते हैं, अगर मैं सही हूँ तो जम्मू कश्मीर में जो लॉटरी है वो इलीगल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर लॉटरी के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं टिकट्स वगैरह, तो इसको भी रिलेट किया जा रहा है ट्रक से, तो क्या हमें इस पर कोई कार्रवाई देखने में मिलेगी? लास्ट 2-3 हफ्ते से हमने काफ़ी ज़्यादा गैम्बलिंग के जो स्पॉट्स हैं हमारी रेड्स हुई हैं, डाउन टाउन एरिया में भी रेड्स हुई हैं, हमारी हजरतबल में रेड हुई है, इवन डल लेक के अंदर भी शिकारों में ये काम हो रहा था। वी हैव स्टार्टेड अवर वर्क, काफ़ी लोगों को हमने उस पर लिया हुआ है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कोई भी दूसरा क्राइम जो शहर में हो रहा है, बीट चोरी, बीट क्राइम अगेंस्ट गर्ल, उसमें कहीं ना कहीं नारकोटिक का रोल है। सिविल सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड नारकोटिक्स हैज़ टू गो। इफ वी डोंट स्टॉप इट नाउ आवर यूथ इज लॉस्ट। ओके, थैंक यू सर।